संरक्षण और बीडी पांडे अस्पताल की उच्चीकृत सुविधाओं का किया शुभारंभ। धूमधाम से मनाई गई गुरु रविदास जी की जयंती। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे कार्यक्रम में। मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर ली करवट। टिहरी गढ़वाल मैनच 58 ऋषिकेश श्रीनगर पर भूस्खलन होने से रास्ता बंद। पहाड़ से टूटकर गिरा मलबा। और हरिद्वार कुंभ मेले की को लेकर तैयारियां जोरों पर। अभी तक 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मेला क्षेत्र की हर गतिविधि की जानकारी कंट्रोल रूम और मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम आपनों उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज नैनीताल दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड प्रशासन अकादमी के साथ ही नैनी झील संरक्षण और बीडी पांडे अस्पताल की उच्चीकृत सुविधाओं का शुभारंभ किया। इसके अलावा सीएम रावत ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। इस दौरान सीएम रावत ने कहा कि राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए केंद्र की परियोजनाओं की तरह ही डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्य की परियोजनाओं में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए दोगुनी भूमि देनी होती है, जबकि केंद्र की परियोजनाओं के लिए ऐसा नहीं है। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछली बार जब गैरसैंण का सत्र हुआ था तो मैं देहरादून से गैरसैंण बाई रोड गया था और मैंने रास्ते में लोगों से बातचीत भी की। लोगों ने अपनी बात भी मेरे सामने रखी थी और साथ में उस समय रोड कंस्ट्रक्शन का वर्क हमारा चल रहा था। तो हमने किस तरह की कार्य की प्रगति है, काम करने वाली एजेंसी को कोई दिक्कत तो नहीं है या अन्य तरह की कोई समस्या तो नहीं है, उन सारी चीज़ों का भी हमने मार्ग में चलते हुए अध्ययन किया था। इस बार मैं आज नैनीताल और रात्रि विश्राम मेरा रानीखेत में होगा और रानीखेत में शाम को मैं जनता से वहाँ पर मिलूँगा। कल द्वाराहाट में जा कर के और मैं जन समस्याएँ सुनूँगा, वहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा। तो ये कोशिश रहती है कि जनता से हम जितना अधिक संवाद कायम कर सकते हैं वो संवाद हम कायम करें और जो सुझाव सामान्य लोगों से मिलते हैं कई बार वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं तो उस तरह का भी एक नॉलेज शेयरिंग कहना चाहिए वो भी हो जाती है। नॉलेज ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं, वो हम सब करते हैं आपस में। कुल मिलाकर एक जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में जितना अधिकतम साम्य हो, जितनी अधिकतम पारदर्शिता हो, वो एक लोकतंत्र में एक अच्छा और स्वस्थ लक्षण कहा जा सकता है। देखिए, इस बार का जो बजट होगा वो बहुत तरह के नए नए आयाम आपको उसमें देखने को मिलेंगे। हम ये कहें कि वो सर्वसमावेशी बजट होगा, उसमें गांवों से लेकर के और जो हमारा शहरी क्षेत्र है। हरिद्वार में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती को टिबड़ी में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। रविदास जयंती के इस अवसर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी पहुंचे। इस दौरान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर उन्होंने आशीर्वाद लिया और मंदिर परिसर में हो रहे भंडारे के आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लोगों को अपने हाथों से प्रसाद बांटा। भगवान रविदास जी या रैदास जी, कुछ भी नाम से पुकारिए, उनका जन्मदिन है। वो भगवान के अंशावतार थे और मानवता के रक्षक के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने शोषित पीड़ित दलित मानवता को इंसानियत का, मानवता का रास्ता दिखाया। तो मैं उनके जन्मदिन पर उनको प्रणाम करने और
हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मेला क्षेत्र में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की मदद ली जाएगी। अत्याधुनिक तकनीक से न केवल सड़कों, पार्किंग स्थलों और घाटों पर श्रद्धालुओं व वाहनों के दबाव की सटीक जानकारी मिलेगी, बल्कि लावारिस सामान और श्रद्धालुओं की गिनती हो सकेगी। चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया जा रहा है। शुरुआती दौर में अभी तक 300 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इनके सेंसर मेला क्षेत्र की हर गतिविधि जानकारी कंट्रोल रूम और मोबाइल अलर्ट पर होगी। मेला क्षेत्र में कुल 1500 कैमरों से निगरानी होनी है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुंभ मेला क्षेत्र में लोगों के घरों और प्रतिष्ठानों पर लगे कैमरों के पासवर्ड और अन्य जानकारी एकत्रित की जा रही है। डीवीआर से जुड़े सीसीटीवी को कंट्रोल रूम से जोड़ने के लिए अलग उपकरणों की जरूरत होगी, जबकि एनवीआर को जोड़ने के लिए अलग सिस्टम की जरूरत होगी। रेलवे की तरफ से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम हरिद्वार स्टेशन पर बनाया गया है। वहाँ पर हमारे आरपीएफ और दूसरे विभाग के कर्मचारी राउंड द क्लॉक उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे आरपीएफ के लगभग 197 कर्मचारी और जीआरपी के भी लगभग 150 कर्मचारी और हमारे टीटी स्टाफ और अन्य कॉमर्शियल स्टाफ 50 के लगभग राउंड द क्लॉक पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। मेटल डिटेक्टर्स भी एंट्री पॉइंट पर लगाए गए हैं, वहाँ पर क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। एंट्री पॉइंट पर हमारा स्टाफ राउंड द क्लॉक बैठा हुआ है और आने जाने वालों की निगरानी। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 को लेकर सभी अखाड़ों में ध्वजारोहण प्रारंभ किया जा रहा है। आज आनंद अखाड़े ने भारी साधु संतों के साथ ध्वजारोहण कर महाकुंभ की शुरुआत की। शंकरानंद सरस्वती सचिव आनंद अखाड़ा ने बताया कि आज से ध्वजारोहण के पश्चात संतों का कुंभ शुरू हो जाता है। आज से ही सभी संत गंगा में स्नान करने लग जाएंगे। भगवती माँ काली का पूजन होगा, उसकी आराधना होगी, दुर्गा सप्तशती पाठ होंगे और जब हमारे देवता के यहाँ प्रवेश होगा, रोज गंगा पूजन होगा, सुबह सुबह शाम आरती पूजा और साधु लोग अपना अपना भजन पूजन करेंगे और अन्न क्षेत्र चलेगा अपने साधुओं के लिए भोजन इत्यादि व्यवस्था होगी। और साधु का मतलब गंगा किनारे आने का मतलब ये होता है कि आओ कुछ तपस्या करो। और हम लोग का जीवन तो ऐसा होता है कि साधु का जीवन एक सार्वजनिक जीवन होता है। साधु जो कुछ प्रार्थना करेगा, जो कुछ मनोकामना करेगा, वो अपने लिए नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए। और हमारे शास्त्रों में हमारे संतों ने जब भी कुछ मांगा है तो अपने लिए मांगते हुए न अपने राष्ट्र के लिए। अभी आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। आज के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में हरिद्वार और प्रयागराज समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए शुक्रवार से ही लोगों का जनसैलाब पहुंचने लगा था। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा खासी व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए छोटी बड़ी पार्किंग बनाई गई थी। इसके साथ ही गंगा के प्रमुख घाटों के साथ मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। तो वहीं माघ पूर्णिमा के मेले को देखते हुए खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। कहते हैं कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान देने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो साल में 12 पूर्णिमा तिथियां होती है जिसमें पूर्ण चंद्रोदय होता है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है। माघ मास तो ऐसे भी हर मास में से उत्तम मास पूजा पाठ के लिए, धर्म कार्य के लिए बताया गया है, लेकिन इसमें और विशेष ये है कि इस बार कुंभ का पर्व है। कुंभ का पर्व का ऐसा संयोग माना गया है कि जब आकाश मंडल में देवी देवता, देवी दानव सब लोग समुद्र मंथन का जो अमृत लेने के लिए आपस में जब वो हो रहे थे, तो उस समय में ये सभी लोग ये हरिद्वार में थे, क्योंकि जब अमृत बंद जब यहाँ गिरा था तो ये प्रमाण है कि उस समय देवी देवता के हाथ से जो अमृत मिला, इस कारण वो देवी देवता उस समय यहाँ रहे होंगे। उस कारण से कुंभ का पर्व हर 12 साल बाद वो योग आती है तो वो मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि ताकि देवी देवताओं को सानिधि मिले और कुंभ का पर्व। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।